अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप जी? मैं ठीक हूँ सर। ये बताएं कि क्या कर रहे थे? शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग करने आए मर्द हजरात, तो शॉपिंग में रुझान इतना ज़्यादा हो गया है तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अभी तो ऑब्वियसली आपके मुल्क में इस कदर मुल्की हालात ख़राब हैं कि शॉपिंग करना इतना मुश्किल है कि हर चीज़। पहले तो खवातीन शॉपिंग करती थी ना, अब जब मर्दों की जब हाथी मार्केट में मर्द ज़्यादा शॉपिंग कर रहे होते हैं, अगर आदमी लोग औरतों की तरह शॉपिंग में पड़ गए तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? देखें, ये तो शुरू से चलता आ रहा है कि हम लोग भी शॉपिंग करते हैं। हाँ ठीक है आपकी बात कि औरतें ज़्यादा हमसे ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, बट अब हम लोगों को भी तो राइट बनता है ना कोई शॉपिंग करें। तो बताएं, मैरिड हैं आप? नहीं, अभी अनमैरिड अनफॉर्चुनेटली। चलें इनसे पूछ लेते हैं। कहते हैं बीवी को देख के जो मुस्कुराना है वो भी नेकी है, तो आप अपनी बीवी को देख के मुस्कुरा के नेकी का शर्फ लेंगे? जब आएगी तो ज़रूर मुस्कुरा के उसको देखेंगे। कितनी दफ़ा दिन में मुस्कुरा के देख सकते हैं? क्योंकि मैंने तो सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और शाम को 9 बजे आना, तो दो दफ़ा तो लाजमी देखा करूँगा। मुस्कुराए करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। आपको लगता है आपको देख के भी आपकी बीवी मुस्कुराएगी बदले में? अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो वो जरूर मुस्कुराए। आपको लगता है कि आपको देख के उनका मूड जो है वो अच्छा रहेगा? वो तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसका मूड। एंगेज हुई है आप? एंगेज हुई हुई है। आँख मारी कह रही हुई है यानी कि थोड़ी थोड़ी हुई है, तो मतलब क्या रिएक्शन होता है उनका जब आपको देखती है? स्माइल करती है, परेशान होती है या कुछ और? अभी एक्चुअली वो आउट ऑफ कंट्री है, जस्ट लाइक वीडियो कॉल पे बात होती है। वीडियो कॉल पे देखते तो पहले स्माइली पास करती हूं। ऑब्वियसली ऐसा होता है। फिर हम लोग पूछा नहीं क्या देखे हंस रही हूं? मैंने तो सही तैयार हुआ हूं मैं। नहीं, हम लोग बात ही कुछ ऐसे स्टाइल से करते हैं उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सर उस स्टाइल से जरा हमारे नाज़रीन किसानों पे बात तुम शेर गुनगुना दे, शेर सुना दे, गाना गुनगुना दे। हम तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाह वाह जबरदस्त। अच्छा ये बताएं जो आपके होने वाली है, ठीक है वो नहीं शादी जैसे अभी तक नहीं आपकी हुई, तो वो नहीं कहती शादी जल्दी कर लेनी चाहिए या कुछ? नहीं, मैंने उसको होल्ड करवाया है। मैं जब तक मैं वेट करूंगा आपको भी वेट करना पड़ेगा। कितना आप होल्ड क्यों कर रहे हैं? नहीं, कुछ फाइनेंशियल इशू है, घर तैयार कर रहा हूँ अपना, जैसे घर बनेगा मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि। ये बताएं बेगम को इम्प्रेस करने के लिए कुछ चीज़ सोची है कि बेगम को इस तरह इम्प्रेस में किया? शॉपिंग है ऑब्वियसली, कुछ अच्छा सा खाना और शॉपिंग, ये दो चीज़ें उनको बहुत पसंद है। तो क्यों लगता है सिर्फ जो औरतें हैं वो सिर्फ शॉपिंग और खाने पे ही ज़्यादा खुश होती है, कोई और भी एक्टिविटीज़ होती हैं? नहीं, किसी दिन घर की सफाई कर दें, किसी दिन उनके कपड़े धो दें, ये भी औरतों की खुशी का एक बायस है। देखिए ये तो हम कॉलेज लाइफ से देखते आ रहे हैं कि गर्लफ्रेंड से लेके वाइफ तक दो चीज़ें इंप्रेस करने वाली होती थी, शॉपिंग और उनको बर्थ रिटर्न। लेकिन सारी जिंदगी वो आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं रहेंगी ना, वाइफ है, वाइफ की नज़र से सोचे ना कि वो किस चीज़ से खुश होंगी। लेकिन मैच बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ना, हमने घर में क्या क्या काम कर लेते हैं जो आप कर सकते हैं? घर से कोई खास नहीं है, हमने ऑफिशियली काम किए हैं यही है ज़्यादातर, बस घर के कपड़े प्रेस कर लिए या कभी नाश्ता बना लिया। तभी घर में वो जैसे कहते हैं टपरी लगानी, बर्तन मांजने, नेवर नेवर ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी, कुछ भी नहीं आता, नथिंग। वो कभी बीमार हो कोई बंदा कहता चलो मैं कर लूँ, वो फिर मेड को अरेंज कर लेंगे। मेड उस वक्त ना अरेंज हो फिर? नहीं, वो एनी टाइम कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाती है। नहीं तो ये नहीं कहेंगे मैं खुद मेड बन जाऊँ, मैं उस वक्त कर लूँगा? नहीं, इतनी जो है लिफ्ट नहीं कराई हुई उसके साथ। अच्छा ये बताएं जैसे कि आपकी जिसके साथ आपकी होनी है वो दूर बैठी हुई, उनके लिए कोई पैगाम दूर से? बस मुझे हमेशा याद रखना और अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। मेरा जिक्र कर सब भाभी, मैं चलता हूँ दुआ में याद रखना। कहाँ जा रहे हैं अभी तो शादी होनी है, वो क्या पता नहीं किधर जा रहे हो? बस वो यही कहती है कि मैं तुम्हें याद रखूंगी, तुम भी मुझे याद रखना, कहीं और ना किसी आंखों से आंखें चार कर लेना। ईमानदार से आंखें दो से चार हुई है यहाँ पर? कभी कोई चार हो जाए पता नहीं लगता, कोई अच्छी लग भी जाती है कहीं ना कहीं किसी। ये जो उनके होने लिए बेगम सुन रही है, आप जाए आपको वीडियो कॉल पे भी अच्छी तरह मुस्कुरा के दिखाएंगे, दोबारा मुस्कुराओगे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।